माँ की गलत सीख का क्या परिणाम हुआ? अरे मंगला, इस बार गर्मियों की छुट्टियों में तुम्हारे बच्चे आ रहे हैं या इस बार भी वो लोग नहीं आएंगे? पड़ोसन ने मंगला जी से पूछा। मंगला जी सूखी हुई मिर्ची आंगन में बिछी हुई खटिया पर से उठाते हुए बोली, नहीं नहीं, बच्चे यहाँ आकर क्या करेंगे? वैसे भी इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। बच्चे यहाँ आएंगे तो तीनों कमरों में पंखा चलाना पड़ेगा, कूलर चलाना पड़ेगा, बिजली का खर्चा बढ़ेगा, आजकल सफर करना भी कितना मुश्किल हो गया है, किराया कितना बढ़ गया है, ऊपर से वो लोग यहाँ आएंगे तो राशन पानी का खर्चा भी अलग से आएगा। इतना ज्यादा खर्चा करने से तो अच्छा है आजकल यह स्मार्टफोन है ना, हम वीडियो कॉल पर बात कर लेते हैं। बार बार बच्चों को मैं परेशान नहीं करना चाहती, यही रुपए बचेंगे तो वो लोग फिर मेरे अकाउंट में रुपए भेज देंगे तो कुछ काम ही हो जाएगा। मंगला जी की बातें सुनकर उनकी पड़ोसन हैरान रह गई। वैसे तो पूरे गांव में मशहूर था कि मंगला जी को बच्चों से बढ़कर रुपए पैसे से ज्यादा प्यार था, इसलिए वो बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, केवल रुपए पैसे इकट्ठा करने में ही लगी रहती थी। बच्चे भी समय से माँ के अकाउंट में रुपए भेजकर अपना फर्ज निभा लेते थे। मंगला जी अपने पति राजेश्वर जी के साथ एक छोटे से कस्बे में रहती थी। मंगला जी पति के साथ बहुत सुखी थी। बेटे बहुओं की किचकिच उन्हें पसंद भी नहीं थी, इसलिए बेटों की शादी के बाद उन्होंने बहुओं को कभी अपने साथ रहने के लिए नहीं कहा, और बहुएं भी इस बात से खुश ही थी। एक रात अचानक ही राजेश्वर जी बेहोश होकर आंगन में गिर पड़े। आनन फानन में पड़ोसियों की मदद से मंगला जी अपने पति को जिला अस्पताल लेकर पहुंची। डॉक्टर ने तुरंत ही उनका इलाज शुरू कर दिया। राजेश्वर जी की जान तो बच गई थी, लेकिन वो लकवाग्रस्त हो गए थे। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि उनका शरीर काफी बूढ़ा और कमजोर हो चुका है, इसलिए अब बस इनकी सेवा कीजिए। सप्ताह भर के बाद मंगला जी अपने पति को लेकर घर आ गई थी और उन्होंने अपने दोनों बेटों को इस बात की खबर दे दी थी। दोनों बेटे अलग अलग शहरों में पत्नी और बच्चों के साथ रहकर नौकरी कर रहे थे। जब उनके बच्चों को यह बात पता चली तो वह पिता से मिलने के लिए आतुर हो उठे। सारे बच्चे पिता से मिलने के लिए घर आ गए। पिता से मिलने के बाद वह 10 दिनों के बाद फिर से वापस शहर चले गए। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। पिता की बीमारी को साल भर होने को आए थे। एक बार फिर से उनकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि अब वे ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं है। मंगला जी घर पर ही पति की देखभाल में लगी हुई थी। मंगला जी के दोनों बेटे हर महीने उन्हें मोटी रकम भेज दिया करते थे। मंगला जी को रुपए पैसे से बहुत मोह था। इस बार जब राजेश्वर जी की तबीयत बिगड़ी तो दोनों बेटे कहने लगे कि माँ, हम बाबू जी से मिलने के लिए घर आ जाते हैं। तो मंगला जी ने कहा, अरे बच्चों, प्रैक्टिकल बनो, अभी कुछ महीनों पहले ही तो बाबू जी से मिलकर गए हो, फिर से यहाँ आने की क्या जरूरत है? यहाँ आने जाने में कितना खर्चा होगा? अब तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, तुम्हारे बाबू जी तो अब कुछ ही दिनों के मेहमान है। अभी आने से अच्छा है, जब इन्हें कुछ हो जाएगा तो 13वीं तक रुकने के लिए लंबी छुट्टी लेकर आ जाना। तुम एक काम करो, आने जाने में जो खर्च होगा उतने रुपए तुम मुझे भेज दो, तो रुपए किसी काम में आ जाएंगे। माँ की यह बातें सुनकर दोनों बेटे हैरान रह गए थे, लेकिन आजकल की पीढ़ी तो वैसे भी प्रैक्टिकल होती है। माँ की बातें सुनकर उन्हें भी लगा कि चलो सही है, जब माँ को कोई दिक्कत नहीं है तो हमें भी बार बार वहाँ जाने की क्या जरूरत है, और उन्होंने रुपए ही भेज दिए। फिर महीने भर के बाद जब पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो एक ही बार वह गांव गए और भव्य तौर पर 13वीं वगैरह निपटाकर वापस चले गए। मंगला जी पति के गुजरने के बाद घर पर अकेली ही रह गई। वो शहर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि गांव की औरतों के साथ बैठकर इधर उधर की बातें करते हुए उनका समय अच्छे से कट जाता था, और शहर में तो उनका मन बहलाने का कोई ऐसा साधन भी नहीं था, इसलिए वो अपना गांव छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। देखते ही देखते समय बीता और मंगला जी बीमार रहने लगी। जब मंगला जी अपने बेटों को फोन करके अपने पास आने के लिए कहती थी तो बच्चे कहने लगते, क्या माँ, बुढ़ापे में बीमारी तो लगी ही रहती है, हम कितनी बार मिलने आएंगे, हम रुपए भेज देते हैं। मंगला जी खामोश हो जाती थी। फिर एक बार बच्चे दुर्गा पूजा की छुट्टियों में गाँव आए थे और मंगला जी से मिलकर चले गए थे। उसके बाद वो जब भी बीमार पड़ती और बेटों को बुलाती तो वह दुहाई देते कि अभी कुछ दिन पहले ही तो हम मिलकर गए हैं। माँ ने बेटों को यही सीख तो दी थी। फिर जब माँ का अंतिम समय निकट आया तब मंगला जी ने बारी बारी से अपने दोनों बेटों को फोन लगाकर कहा कि बच्चों, अब मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ, एक बार आकर मुझसे मिल लो, पका हुआ फल हूँ बेटा, पता नहीं कब टपक जाऊं। माँ की बातों को बेटों ने अनसुना कर दिया क्योंकि माँ ने ही तो पिता के समय उन्हें प्रैक्टिकल बनकर सोचने के लिए सिखा दिया था।
बच्चे यही सोच रहे थे कि अगर एक बार अभी जाएंगे फिर एक बार माँ को कुछ हो जाएगा तो जाना ही पड़ेगा। बार बार छुट्टी कौन ले, समय और रुपए कौन बर्बाद करे। उन्हें अब बस दुनियादारी का ध्यान था। ऐसे ही वो बात को टालते जाते थे। वो खुलकर माँ को उनकी ही कही हुई बातें याद नहीं दिलाते थे, लेकिन मन ही मन वो उस बात को सोचकर खुद को माँ के पास जाने से रोक लेते थे। मंगला जी अपने अंतिम समय तक अपने बेटों का चेहरा देखने के लिए तरसती रही, लेकिन बेटों ने तो जैसे कसम खा ली थी कि उनके गुजरने के बाद ही उनके 13वीं के लिए ही छुट्टी लेकर जाएंगे। और आखिरकार यही हुआ भी। बच्चों के इंतजार में मंगला जी की बूढ़ी आंखें खुली की खुली रह गई, लेकिन उनके बेटे उनके सामने नहीं आए और वो माँ दुनिया से ऐसे ही विदा हो गई। उसके बाद बच्चे रोते रोते आए। उन्होंने खूब बढ़िया से माँ की 13वीं भी की, लेकिन यह तो बस दुनियादारी की बातें थी। माँ क्या चाहती थी? माँ तो अंतिम समय में बस बच्चों का चेहरा देखना चाहती थी, आखिरी बार उन बच्चों से मिलना चाहती थी जिन बच्चों को पालने में उसने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार दी। लेकिन बच्चे इस बात को कैसे समझते, क्योंकि माँ ने ही तो उन्हें समझाया था ना कि प्रैक्टिकल बनकर सोचो। तो आज बच्चों ने प्रैक्टिकल बनकर सोचना शुरू कर दिया था और ये मंगला जी पर ही भारी पड़ गया था। अपने अंतिम दिनों में मंगला जी हमेशा यही सोचती रही कि ऐसे समय में उनके पति पर क्या गुजरी होगी। उन्होंने तो बच्चों से कह दिया था कि अपने पिता से मिलने की क्या जरूरत है, तुम उनके लिए रुपए भेज दो और 13वीं के लिए ही लंबी छुट्टी लेकर आ जाना। लेकिन अंतिम समय में वो पति के उस इंतजार के दर्द को महसूस करके गई थी जो दर्द उनके पति ने झेला था। दोस्तों, तभी तो कहते हैं कि संवेदनाएं हमेशा जीवित रहनी चाहिए, वरना जब खुद की बारी आती है तो खुद पर भी अपने किए हुए कर्म सवार हो जाते हैं। दोस्तों, तो आपको यहाँ गलती किसकी लगती है, बच्चों की या मंगला जी की, जिन्होंने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए कि उनके बच्चे इतने प्रैक्टिकल बन गए। मंगला जी ने हमेशा रिश्तों के ऊपर पैसों को महत्व दिया और अंत समय में उनके पास पैसे तो थे, लेकिन रिश्तों के लिए वह तरसते हुए ही इस दुनिया से चली गई। तभी तो कहते हैं जिस चीज की चाह रखोगे वही तुम्हें मिलेगा। जिंदगी में भले ही व्यक्ति ज्यादा धन दौलत इकट्ठा ना कर पाए, लेकिन वही इंसान सही मायनों में सुखी होता है जिसके पास अनमोल रिश्ते होते हैं। जो इंसान रिश्तों को संभालना सीख गया उसकी जिंदगी में कभी कोई दुख तकलीफ नहीं हो सकती। बच्चों को रुपए पैसे का महत्व तो सिखाना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ ही उनमें ऐसे संस्कार जरूर डालने चाहिए कि वह आगे चलकर अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, सुख दुख की घड़ी में हमेशा परिवार के साथ खड़े रहें। ऐसे रुपयों का क्या लाभ है जो इंसान के दुनिया से जाने के बाद अकाउंट में ही पड़े रहे। इसलिए हमेशा अपनी सोच सही रखनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है जो रिश्तों से ज्यादा रुपए पैसे को महत्व देते हैं? इस कहानी के बारे में आप अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद।